पुंछ में स्थित सीआरपीएफ की 72वीं बटालियन ने रामनवमी के पावन अवसर पर आज कंजक पूजन की। माता वैष्णो स्वरूप स्थानीय बच्चियों ने सीआरपीएफ के जवानों को अपना आशीर्वाद देकर देश की रक्षा करने को कहा। कंजक पूजन के बाद सीआरपीएफ ने भंडारे का आयोजन भी किया, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ साथ दूसरे गाँव के लोगों ने भी हिस्सा लिया। सबसे पहले मैं आप भारत के सारे देशवासियों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं दुर्गेश कुमार, असिस्टेंट कमांडर सीआरपीएफ 72 बटालियन, जो हमारा हेडक्वार्टर सुंदरबनी है, और हमारी एक कंपनी चार्ली कंपनी जो कि पूछ में। आज हम लोगों ने रामनवमी के उपलक्ष्य पे कन्या पूजन किया है और भंडारे का आयोजन किया है, जिसमें से दूर दूर के गाँव के भी लोग, बच्चे बूढ़े सारे आए हैं, और हमारे सारे जवान भंडारा का आयोजन करते हुए सारे गांव को खाना खिला रहे। तो सर हवन भी किया गया है यहाँ? हाँ, हम लोगों ने भंडारे से पहले यह हवन होता है, तो हम लोगों ने पूरी कंपनी ने मिलकर हवन भी किया है, ताकि हम अपने भविष्य, उज्जवल भविष्य की शुभकामना मांग सकें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री। ब्यूरो रिपोर्ट, द अर्थ न्यूज़।